हेलो नमस्कार, लव यू दोस्तों। स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस में। आज का ये सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस क्लास में हम बात करने वाले हैं रेलवे का जो ग्रुप डी होता है, लेवल फर्स्ट की जो जॉब होती है, यानी कि ग्रुप डी। इसकी वैकेंसी कब आएगी और ग्रुप डी होता क्या है, ग्रुप डी में जो लेवल फर्स्ट होता है इसमें कितने पोस्ट होते हैं, क्या काम करना पड़ता है, इसका सिलेबस क्या है और कितने फेज में एग्जाम होते हैं, वगैरह वगैरह सभी पॉइंटों पर बात करेंगे। यानी कि क्वालिफिकेशन हो, एज लिमिट हो, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस कंप्लीट हम एनालाइज करने वाले हैं। हर एक बिंदु पर मैं बात करूंगा। और जैसा कि रेलवे ने अपना एक कैलेंडर जारी किया है, उस कैलेंडर में उन्होंने कहा कि जो ग्रुप डी की वैकेंसी है, ये हम अक्टूबर से दिसंबर माह के बीच में इसका नोटिफिकेशन निकालेंगे। तो उसी के रेफरेंस में आज का ये सेशन होने वाला है। अगर आप ग्रुप डी यानी कि लेवल फर्स्ट की जॉब लेना चाहते हैं, तो इसके बारे में आपको डिटेल जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है ना। तो देखिए, कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमने रेलवे एनटीपीसी का कल हमने एक सेशन लिया था, जिसमें आई थिंक 1,000, 1,500, 2,000 स्टूडेंट उसको देखे भी हैं, है ना। आप भी जा करके देखिएगा उस वीडियो को। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं पिन कर दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं और समझने की कोशिश कीजिएगा कि एनटीपीसी क्या है, क्या डिफरेंस है और ग्रुप डी में क्या डिफरेंस है। क्योंकि इसका एग्जाम पैटर्न जो है ना, सिलेबस जो है वो काफ़ी हद तक मैच करता है। इसलिए आप एनटीपीसी को भी समझिएगा और ग्रुप डी को भी समझिएगा और इन दोनों को समझिए कि आपको कौन सा जॉब ज़्यादा अच्छा लगता है, एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी की। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सेशन को आपको ध्यान से सुनना है, लिखना कुछ भी नहीं है तो सुनते रहिए, है ना। जब हम बात करते हैं ग्रुप डी की, तो एक बात आती है कि ग्रुप डी लेवल पे चलती है। किस लेवल पे चलती है, यानी कि लेवल फर्स्ट से लेकर के 7th तक इसका लेवल है ना। लेवल जो फर्स्ट है यही ग्रुप डी की जॉब होती है ना। और जो लेवल 2, 3, 4, 5, 6 होती है ये एनटीपीसी की होती है, और हम एनटीपीसी की बात कर चुके हैं। और बाकी लेवल 7 जो है ये टेक्नीशियन की जॉब होती है, जिसको अब एएलपी से अलग कर दिया गया है। तो एएलपी से अलग ही, बट एएलपी और टेक्नीशियन की नौकरी एक बार निकाली जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है ना। अब बिल्कुल इनको अलग अलग निकाली जा रही है। ये ऐसा पहली बार हुआ है, ठीक है। तो लेवल आपने समझ गया कि 1 से लेकर के 7 तक का जो लेवल है रेलवे में, कौन सा लेवल किसके लिए है। सबसे पहली बात देखिए, जो ग्रुप डी होती है इसमें असिस्टेंट वाले जॉब होते हैं, सहायक वाले, जैसे पॉइंट मैन, ट्रैक मैन, है ना, और बहुत सारी पोस्टें होती हैं, वो सब कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले ही मैं आपको क्लियर कर देना चाहूँगा कि आज हम इस सेशन में जो भी बात करेंगे बिल्कुल ऑफिशियल के अनुसार बात करेंगे। जो 2019 में वैकेंसी आई थी ग्रुप डी के, उसी के अकॉर्डिंग हम बात करने वाले हैं, है ना। तो सबसे पहले देखिए, जो 2019 में वैकेंसी आई थी, ये वैकेंसी देखिए अलग अलग कैटेगरी, जैसे अनरिजर्व, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, टोटल मिलाकर के वैकेंसी देखिए 1,03,769 पोस्ट पर वैकेंसी थी। और इसी के साथ में एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूबीडी, और इसका भी मिला करके देखिए 30-40 हज़ार नौकरी और है, यानी कि समथिंग 2 लाख के करीब वैकेंसी आई हुई थी, है ना। अब इस बार कितना पोस्ट पर वैकेंसी आती है वो तो नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा। तो देखिए, यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी की कमी नहीं रहती है ना। इसलिए आपको ग्रुप डी की तरफ एक बार जरूर ध्यान देना चाहिए। अगर आप 10th लेवल के हैं या फिर आपका आईटी कंप्लीट है, तो आपके लिए बहुत सारी इसमें पोस्ट अभी देखिए अवेलेबल है। जैसा कि देखिए कौन कौन से पद होते हैं, डेजिग्नेशन देखिए, असिस्टेंट वर्कशॉप, असिस्टेंट ब्रिज, असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू, असिस्टेंट डिपोट यानी कि स्टोर वाली, असिस्टेंट लोको से डीजल, असिस्टेंट लोको से इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट पॉइंट मैन, असिस्टेंट सिग्नल टेलीकॉम, असिस्टेंट ट्रैक मशीन, असिस्टेंट टीएलएनएसी, असिस्टेंट टीएलएनएसी वर्कशॉप, असिस्टेंट टीआरडी, असिस्टेंट वर्क्स, असिस्टेंट वर्क्स वर्कशॉप, हॉस्पिटल असिस्टेंट और ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4। तो कई सारे, यानी कि टोटल 17 पोस्ट हैं। अब इसमें से कुछ पद ऐसे हैं जो केवल 10th लेवल के हैं, कुछ पद ऐसे हैं जो 10th प्लस आईटीआई है,
है ना। तो दो पोस्ट यानी कि दो क्वालिफिकेशन पर यहां पर ये अलग अलग पोस्ट है ना, अलग अलग ये पोस्ट है, ठीक है। ये रही पोस्ट की बात, ये किसकी बात हम कर रहे थे, पोस्ट की बात। इसके बाद हम देखेंगे इसमें क्वालिफिकेशन क्या होता है ना, इसमें क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगा जाता है और एज लिमिट कितना रहता है इसमें। देखिए मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि यहां पर सबसे लोअर एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहता है लेवल फर्स्ट की, और लेवल फर्स्ट का मतलब आप ये मत समझिए कि सबसे टॉप लेवल की रेलवे में नौकरी है। लेवल फर्स्ट का मतलब सबसे छोटी सहायक, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सहायक लेवल की ये नौकरी होती है लेवल फर्स्ट, इसीलिए इसमें क्वालिफिकेशन भी सबसे लोअर क्लास की होती है। लेकिन यहाँ पर एज रिलैक्सेशन देखते हैं कि एज किसका कितना रहता है इसमें, तो एज के बारे में देखा जाए तो एज मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 33 ईयर है ना, ये अनरिजर्व के लिए है। किसके लिए? अनरिजर्व के लिए रहती है। और प्लस में आप 3 साल का और एज में एज छूट रख लीजिए, क्योंकि एज में छूट देगी है ना, जैसे कि लोको पायलट में दिया है, कई साल हो गए वैकेंसी नहीं आई है, तो उस वजह से यहाँ पर प्लस 3 ईयर और ऐड कर लीजिए। उसके बाद एसटी और एससी को जो 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है, ओबीसी को जो 3 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है, इसको भी आप ऐड कीजिएगा है ना। मिला करके जितना आपका आता है उसके अनुसार आप अपने एज को काउंट कीजिए, फिर आप एप्लीकेबल हो जाएंगे फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो ये किसकी बात रही? ये एज रिलैक्सेशन की बात रही। फिर हम एजुकेशन क्राइटेरिया देखें, सिंपल सा है, यदि आपने 10th कंप्लीट किया है या फिर आपका 10th के साथ में आईटीआई है ना। कुछ पद ऐसे हैं जो ओनली 10th पे बेस्ड है, और कुछ पद ऐसे भी हैं जो 10th के साथ साथ आईटीआई, चाहे आपका एनसीबीटी से हो या फिर एससीबीटी से हो, चाहे प्राइवेट आईटीआई किया है चाहे गवर्नमेंट कॉलेज से आपने आईटीआई किया है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, आप इसके लिए स्वतः ही एलिजिबल हो जाएंगे। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत ही इसमें सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। यदि आप 10th की पढ़ाई कर चुके हैं, 11th में आप आने वाले हैं या फिर 11th क्लास अब अटेंड करेंगे, तो आपको एक बार रेलवे की तरफ ज़रूर जाना चाहिए है ना। अपने आप को देखना चाहिए कि आपकी तैयारी जो है ये किस लेवल की है। तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अगर 10th आपका कंप्लीट है तो फॉर्म को ज़रूर अप्लाई कीजिएगा है ना। चलिए इसके बाद देखिए, रेलवे में मेडिकल स्टैंडर्ड सबसे ज़रूरी है ना, चाहे आप लोको पायलट की बात करें, टेक्नीशियन की बात करें, ग्रुप डी की बात करें, किसी भी लेवल की बात करें, यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड देखिए दिया गया है। और मेडिकल स्टैंडर्ड में सबसे पहले देखिए विजन सब कुछ क्लियर होना चाहिए है ना, जैसे कि आपका कलर विजन, बिनोकुलर विजन, नाइट विजन, मिसोपिक विजन, ये सब कुछ अगर आपका ओके रिपोर्ट है। ये पूरा पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहां से आप पूरे पीडीएफ को देख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं है ना, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको तसल्ली से देख सकते हैं कि क्या क्या इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड यानी कि मेडिकल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। अब सबसे अहम बात पर हम बात करेंगे कि भाई ये सब चीज़ें तो ठीक है, क्वालिफिकेशन वगैरह सब कुछ तो ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम का प्रोसेस क्या होता है, कितने फेज में एग्ज़ाम होते हैं, तब जाके ग्रुप डी की वैकेंसी कंप्लीट होती है, आपके हाथ में एक ज्वाइनिंग लेटर आती है, ठीक है ना। ठीक है, देखिए सबसे पहला फर्स्ट स्टेज में आपका सीबीटी होगा, इसमें केवल और केवल एक ही सीबीटी एग्ज़ाम होता है ना। एक सीबीटी आपने अगर कंप्लीट कर लिया, आगे में चल के बताऊंगा कि सीबीटी में आपका सिलेबस क्या होता है, कैसे कैसे किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, वो सब कुछ बताएंगे। फिलहाल अभी देखिए फर्स्ट स्टेज केवल सीबीटी है ना, और मेरिट लिस्ट इसी के अकॉर्डिंग बनती है, मेरिट लिस्ट जो बनती है इसी सीबीटी के अकॉर्डिंग ही बनती है। फिर ये सेकेंड स्टेज है ना, ये है सेकेंड स्टेज फिजिकल टेस्ट होता है, जैसा कि मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि इसमें फिजिकल मेल और फीमेल में क्या डिफरेंस है, क्या इक्वल है ना। फिर सेकेंड स्टेज में आपका फिजिकल होगा, फिर इसके बाद थर्ड स्टेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका होगा मेडिकल एग्जामिनेशन, इसके बाद आपका ये वैकेंसी कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि ग्रुप डी का एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाएगा, आपके घर ज्वाइनिंग लेटर पहुंच जाएगी। तो फोर्थ स्टेज में आपका यहां पर एग्जाम कंप्लीट होता है। इसके बाद देखिए आपका जो मैंने आपको यहां पर बताया था कि फर्स्ट स्टेज जो सीबीटी होना है, इस
इसमें क्या क्या पूछा जाता है, ठीक है ना। तभी तो आप इसके अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे, जब आपको कुछ पता ही नहीं होगा तो फिर तैयारी करेंगे कैसे। तो एग्ज़ाम प्रोसेस देखिएगा, यहाँ पर एग्ज़ाम ड्यूरेशन 90 मिनट, यानी कि 90 मिनट कितना होता है 1.5 आवर, है ना, 1.5 आवर का एग्ज़ाम होगा, जिसमें से जनरल साइंस 25 नंबर के, मैथमेटिक्स 25 नंबर के, जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग 30 नंबर का, और जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर 20 नंबर का। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर में देखिए क्या है, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का जीके जीएस आता है, है ना। और इसमें देखिए पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, इकोनॉमिक सब कुछ आपको पढ़ना है, मिलाकर के 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 100 नंबर का आपका यहाँ पर क्या है, सीबीटी पेपर रहने वाला है, जिसमें से 1/3 का निगेटिव मार्क, है ना, 1/3 का इसमें क्या रहेगा, निगेटिव मार्क पेपर रहेगी। ध्यान रखिएगा रेलवे में 1/3 ही निगेटिव मार्क चलती है। 1/3 मीन्स क्या होता है कि अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत किया तो 1 नंबर सही वाले से आपका काट लिया जाएगा, है ना, सही नंबर में से 1 नंबर माइनस कर लिया जाएगा अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट किया है, तो ये होता है निगेटिव मार्क, है ना। तो ये इसका क्या है, इस प्रकार से एग्जाम होता है। बट जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स होते हैं, है ना, उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दिया जाता है, 120 मिनट का यहाँ पर समय रखा गया है उनके लिए, हालांकि वो अपना देख लेंगे, ठीक है। फिर देखिए सिलेबस, ये सिलेबस किसका है, जो रेलवे खुद बना करके देती है, लेकिन मैं आपको ऐसे सिलेबस दिखाऊंगा, ऐसा सिलेबस आपके साथ डिस्कस करूंगा, शेयर करूंगा, जो बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद मुझे मिली है, है ना। और मैं बिल्कुल ऐसे ऐसे टॉपिक के बारे में बात करूंगा जहां से क्वेश्चन आना बिल्कुल तय है, है ना। अब देखिए इसमें से इतना बड़ा सिलेबस डिजाइन किया गया है, इसमें से कुछ टॉपिक्स ऐसे भी हैं जहां से बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन सिलेबस के अंदर है तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा, है ना। इसीलिए मैं बिल्कुल सिलेक्टिव सिलेबस आपके लिए लेकर आया हूं, वो बिल्कुल इसी से मैच करता हुआ है, बिल्कुल अलग नहीं है, ऐसा नहीं कि मैं कुछ और ही उठा के आपको दे दूंगा, वही चीज़ दूंगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होगा, है ना। तो देखिए ये रहा मैथमेटिक्स का, आप पूरा देख लीजिएगा, है ना, एडवांस भी पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है आपको मैथ में, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग हो गया, जनरल साइंस हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गई, है ना, ये इसका है सिलेबस। फिर आते हैं फिजिकल पर, है ना, फिजिकल पर आते हैं, और फिजिकल देखिए यहाँ पर मेल कैंडिडेट के लिए फिजिकल अलग है, इतना ध्यान रखिए, ग्रुप डी में मेल फिजिकल अलग है, मेल और फीमेल के लिए अलग है, दोनों कैंडिडेट के लिए अलग अलग फिजिकल है, है ना। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, सबसे पहले मेल कैंडिडेट के लिए बात करते हैं, तो 35 केजी का वजन उठा करके आपको 100 मीटर चलना है, 100 मीटर क्या करना है आपको, चलना है 2 मिनट में, कितने मिनट में, 2 मिनट में आपको पहुंचना है, 100 मीटर की डिस्टेंस को कवर करना है 35 केजी का वेट लेकर के, और उस वजन को विदाउट जमीन पर रखे, ऐसा नहीं कि जमीन पर रख दिए फिर उठाए फिर चल दिए, है ना, भले ही आप 2 मिनट में कवर कर ले लेकिन वो मान्य नहीं होगा, बिना वजन को नीचे रखे, ऐसा होता है ना कि हम चलते हैं वजन लेकर के थक जाते हैं फिर नीचे रख देते हैं फिर उठाते हैं फिर चलते हैं, ऐसा नहीं होगा, 2 मिनट में आपको 100 मीटर की रेंज कवर करना है 35 केजी वजन के साथ। और दूसरा क्या है, दूसरा है आपका कि 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर 4 मिनट में, 4 मिनट और 15 सेकेंड में एक बार में तय करना है, ये किसके लिए हो गया, ये मेल कैंडिडेट के लिए। वहीं पर फीमेल के लिए क्या है कि 20 केजी का वजन 100 मीटर आपको रेंज कवर करना है 2 मिनट में, और रनिंग वाली जो है ये 1000 मीटर है यानी 1 किलोमीटर है, 5 मिनट 40 सेकेंड में इसको कवर करना है 1 टाइम में, है ना, एक बार में। तो ये कोई बहुत बड़ी टफ नहीं है, ये फिजिकल है, और ये केवल और केवल क्वालिफाई है, देखिए क्वालिफाई करना है, इसमें आपको कोई नंबर नहीं मिलने वाला है, ऐसा नहीं कि फाइनल मेरिट लिस्ट में इसका भी नंबर आपको मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल क्वालिफाई आप कर जाएंगे तो आप इसके लिए आप मतलब कि ग्रुप डे के लिए आप बिल्कुल फिट हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद देखिए अब हम लास्ट मतलब कि देखिए आपका एग्ज़ाम भी हो गया, है ना, सीबीटी फर्स्ट हो गया, फिर फिजिकल भी हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, अब हम बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या होता है, क्योंकि रेलवे के द्वारा जो सिलेबस बनाया गया था वो बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस था, है ना। तो मैं आपके लिए एक सिलेबस
लेकर के आया हूँ। बिल्कुल दोस्तों ऐसा सिलेबस डिजाइन किया गया है कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मज़ेदार मसाला है, यूँ समझिए, है ना, सब कुछ धरी धराई आपको मिल रही है। बस आप इसको पढ़ना है और कुछ नहीं करना है ना। सबसे पहले हम साइंस की बात करेंगे। साइंस में देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब कुछ पूछा जाता है। तो ये रही केमिस्ट्री की, ये रही बायोलॉजी की, ये रही इनरोलमेंट की। केमिस्ट्री में देखिए सारे टॉपिक्स हैं, इसको पढ़ना होगा। पिछले डेटा के अनुसार जो क्वेश्चन आए थे 7 से 8 क्वेश्चन, हो सकता है इस बार 5 से 6 ही क्वेश्चन दे। जो मैं बोल रहा हूँ वो कोई ऐसा तो है नहीं कि मैंने जो बोल दिया वही होना है। 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिला था, अब की बार हो सकता है 10 से 12 भी हो जाए, 5 से 6 भी हो जाए, है ना, ये चेंज तो हो सकता है ना। तो इतने इसमें से क्वेश्चन आते हैं, फिर बायोलॉजी से भी 7 से 8 क्वेश्चन आता है, और इनरोलमेंट यानी कि पर्यावरण से आपका 1 से 2 क्वेश्चन आता है ना। ये सारे टॉपिक्स हैं, इनको आप जरूर देखेगा, हो सकता है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है ना। फिर देखिए आप जनरल अवेयरनेस क्या है, इसके बाद है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस देखिए 20 नंबर का यहाँ से पूछा जाता है। जो NTPC का सिलेबस है CBT फर्स्ट का, उससे इसका सिलेबस बहुत बहुत हद तक मैच करता है, बहुत हद तक मैच कर रहा है ना। इसलिए अगर आप NTPC की तैयारी कर रहे हैं तो आप ग्रुप डी की भी तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी का जो CBT फर्स्ट होता है उसकी भी आपकी तैयारी हो जाएगी। फिर है मैथमेटिक्स का, देखिए मैथमेटिक्स में आपको परसेंटेज, लाभ हानि, अनुपात, समानुपात, महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, सरलीकरण, संख्या पद्धति, दशमलव और भिन्न, क्षेत्रफल, समय और दूरी, यहाँ पर क्वेश्चन का नंबर ऑफ क्वेश्चन है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, है ना। ये सारे गणित के आपको पढ़ने पड़ेंगे मैथमेटिक्स के। DI, समय कार्य, औसत, साधारण ब्याज, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, बीजगणित, संख्या, नल एवं टंकी, पाइप सिस्टम जो होती है, ये है मैथमेटिक्स में पढ़ना है, है ना। और इसके अलावा वर्गमूल, आयु, बहुपद समीकरण और विविध, है ना, ये सारे किसके टॉपिक्स हो गए, ये मैथमेटिक्स के यानी कि गणित के टॉपिक्स हो गए। फिर आपका आता है रीजनिंग, आपने देख लिया जनरल साइंस, मैथ देख लिया, मैथमेटिक्स, और ये क्या है, मेंटल एबिलिटी, है ना, न्याय वाक्य, श्रृंखला की संख्या, वर्णमाला, सदृश, कैलेंडर, दिशा एवं दूरी, रक्त संबंध, वर्गीकरण, कोडिंग डिकोडिंग और आकृति को गिनना, है ना, कंपोजिशन ऑफ फिगर। बस इतना ही सिलेबस है, देखिए बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है आपका ये ग्रुप डी का एग्ज़ाम, बहुत ही सिंपल है ग्रुप डी का एग्ज़ाम। टोटल 10th लेवल पर बेस्ड होता है, है ना, टोटल 10th लेवल पर बेस्ड होता है। अगर आप ग्रुप डी की तैयारी करते हैं तो फिर आपका NTPC स्टेज फर्स्ट का भी तैयारी हो जाता है, है ना। बहुत हद तक इसका देखिए, बहुत हद तक इसका सिलेबस सेम है, ठीक है ना। चलिए यही था ग्रुप डी, कितने पोस्ट होते हैं, एग्जाम पैटर्न्स क्या होता है, सारी चीजों पर हमने बात कर लिया, है ना। अब ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और दूसरे विद्यार्थियों को भी मौका दीजिएगा इस वीडियो को शेयर करके, इस सेशन को शेयर करके, और चैनल को मेरे भाई जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम बहुत ही जल्द ALP और टेक्नीशियन के लिए एक बैच स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। और जो भी विद्यार्थी लोको पायलट और टेक्नीशियन की तैयारी कर रहा है वो हमारे साथ जुड़ सकता है। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर।